नमस्कार, आप देख रहे हैं यू फॉर यू वॉइस। इनकम टैक्स विभाग ने पैन नंबर को आधार नंबर से लिंक कराने की सीमा बढ़ा दी है। अभी तक जिन लोगों ने अपने पैन नंबर को आधार से लिंक नहीं कराया है, वो अब 31 मार्च 2020 तक ऐसा करा सकते हैं। इनकम टैक्स विभाग ने एक ट्विटर पोस्ट के जरिए डेडलाइन बढ़ाने की जानकारी दी है। अभी तक पैन नंबर को आधार से लिंक कराने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2019 थी। इनकम टैक्स विभाग के ई फाइलिंग पोर्टल इनकम टैक्स इंडिया efiling.gov.in पर जाएं। होम पेज की बाईं ओर लिंक आधार विकल्प चुनें। दिए गए खानों में पैन और आधार नंबर और आधार के मुताबिक अपना नाम डालें। यदि आपके आधार पर सिर्फ जन्म का वर्ष लिखा है तो आई हैव द ओनली ईयर ऑफ बर्थ इन आधार कार्ड पर मार्क करें। इसके नीचे लिखा दिखेगा आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल विद UIDAI। यदि आप UIDAI से अपना आधार को वैलिडेट कराने के लिए सहमत हैं, तो इस पर मार्क करें। कैप्चा कोड को स्क्रीन पर एंटर करें। इसके बाद लिंक आधार विकल्प पर क्लिक करें। इस तरह से आप आधार व पैन को लिंक करने का आपका आवेदन इनकम टैक्स विभाग के पास चला जाएगा। आप इनकम टैक्स विभाग के वेबसाइट पर पैन आधार लिंकिंग का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। आपको बता दें कि आयकर रिटर्न समेत कई वित्तीय लेन देन में पैन कार्ड की आवश्यकता होती है। नाम की स्पेलिंग गलत होने या मिडल या लास्ट नेम को गलत जगह पर लिख देने से लिंकिंग फेल हो सकता है। जन्मदिन गलत लिख देने से भी पैन आधार लिंकिंग फेल हो सकता है। पैन व आधार में लिंक मैच नहीं करने पर भी लिंकिंग फेल हो जाएगा। आधार कार्ड के किसी गलत विवरण को ठीक कराने के लिए कार्ड धारक को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण से संपर्क करना होगा। पैन कार्ड के विवरण ठीक कराने के लिए UTI इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज लिमिटेड से संपर्क करना होगा। विवरण ठीक होने और नए कार्ड मिलने में एक सप्ताह लग सकता है। इस खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।